पीपल्स पार्टी की रहनुमा सबका वजीर आजम शहीद दुरानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 68वीं सालगिरह की तकरीबत पूरे मुल्क भर की तरह सांगढ़ जिले के में भी पीपल्स पार्टी की मुख्तलिफ विंग्स की जानिब से जिले भर के मुख्तलिफ इलाकों में मनाई गई। सांगढ़ में भी पीपल्स पार्टी मदर विंग की जानिब से सालगिरह की तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी जिले जनरल सेक्रेटरी जहांगीर जोने जो थे जबकि सिटी तालका व दीगर विंग्स के अहदेदारों ने भी तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर शरीक पीपल्स पार्टी के रहनुमा जहांगीर जोने जो ममता शाह औरंगजेब व दीगर का कहना था पंजाब सिंध का पानी चोरी कर रहा है। सांगड़ नहीं पूरी सिंध में पानी कम आ रहा है, पंजाब पानी नहीं दे रहा है, वफा की तरफ से पानी रोका जा रहा है, जो उनको फ्लड में कैनाल चलाने वो अभी चल रहे हैं तो पानी की और कमी है उसमें। इरीगेशन वाले पानी चोर करके कहाँ जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, ऊपर से पानी कम आ रहा है। के हवाले से आप देख ले सिंध पूरे पाकिस्तान में नंबर वन पे है एजुकेशन के हवाले से इंशाल्लाह, और भी जो है रोड सेक्टर है उनमें भी आप देख लें, आपने पूरी सिंध के रोड देख लें अक्सर हम कामयाब होंगे। वही मंशूर है जो पुराना था हमारा रोटी कपड़ा और मकान, वो दे रहे और इंशाल्लाह इससे ज़्यादा देंगे और आइंदा इलेक्शन में इससे ज़्यादा सीटें लेकर आएंगे। चावल की काश्त तो माशाल्लाह बहुत हुई है और पानी की तो कमी तकरीबन पूरे सिंध में, एजुकेशन वाले पानी नहीं चोरी करते, वफाक वालों ने सिंध को बहुत कम पानी दिया है। सर केस चल रहा है, आपको पता है इस चीज़ के ऊपर केस चल रहा है और इंशाल्लाह बहुत जल्दी इसका लायमल हो जाएगा, सामने आ जाएगा और पता चल जाएगा कि कौन इसके पीछे मुलव्वज़ है। काफ़ी नाम आए भी हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपको पता नहीं नज़र आता है बल्दियात के अंदर इदारे में कोई करप्शन, काम अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह चल रहा है, काम सही चल रहा है, करप्शन मुझे तो ऐसा नज़र नहीं। दूसरी पार्टियाँ थी उनके दौर में भी रोडों का हाल देखा था, पीपल्स पार्टी के बाद भी आपने रोडों का हाल देखा है, नेटवर्क आपने देखा है, कौन सा ऐसा रोड है ज़िले सांगढ़ में मेन रोड जो अब नहीं रहा बना हुआ, हर रोड बन गया है। हेल्थ के हवाले से आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे जामगुट में ही आप देख रहे हैं कि बहुत ही बेहतरीन हॉस्पिटल के हॉस्पिटल बन रहा है और BHUs इम्प्रूव हो रहे हैं। बेरानी में ही आप देख लें कि कितनी प्रेगनेंसीज़ कितनी डिलीवरियाँ हर रोज़ होती हैं और किस तरह मैटरनिटी होम की इम्प्रूवमेंट हुई है, तो हर जगह ये चीज़ बढ़िया ना पड़ नहीं, ऊपर के फंड्स के रिलीज़ की वजह से रोका गया, जैसे ही फंड्स रिलीज़ होंगे काम शुरू हो जाएगा वापस, किसी टेक्निकल या किसी उल्टी सीधी चीज़ की वजह से नहीं रोका गया, सिर्फ क्योंकि फंड्स की कमी थी, क्योंकि फेडरल से फंड्स नहीं आते, फेडरल सिंध हुकूमत को फंड्स नहीं थे, सिंध हुकूमत के पास इतने फंड्स नहीं है कि वो हर किसी हर प्रोजेक्ट को पूरा कर सकें एक गो में, आहिस्ता आहिस्ता प्रोजेक्ट को पूरा करें जो उनकी वसाइल है उस वसाइल से। उनकी जो कारकर्दगी वो आपके सामने है क्योंकि काफ़ी आपकी आपके सामने सांगढ़ आप देख लें कितना डेवलप हुआ है ये सिंध गवर्नमेंट की कारकर्दगी, और इसके अलावा काफ़ी सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो बेनज़ीर हाउसिंग सेल है, जहाँ भी सोलर सिस्टम के काफ़ी ऐसे प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं सिंध गवर्नमेंट ने जो गरीबों के लोग, जाहिर बात है हर किसी को अपनी, क्योंकि वो जो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस होता है उसकी अपनी जाहिर बात है, उनके वर्कर होते हैं कि वो भी कम्युनिटी में वो भी इफेक्टिव तो होते हैं, ऐसे नहीं कि वो इफेक्टिव नहीं, उनको जो है वो हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, जाहिर बात है उनका अपना हल्का होता है। सिंध में करप्शन आने के बराबर है, आने वाले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी कामयाबी हासिल करेगी, देखना यह है कि पीपल्स पार्टी जो ज़िले में मुख्तलिफ ग्रुप्स में तकसीम हो चुकी है, क्या सांगढ़ समेत सिंध भर में पीपल्स पार्टी की कामयाबी एक बार फिर यकीनी है या नहीं, इसका फैसला आने वाला वक्त करेगा। कैमरा टीम के साथ इशफाक सुलेरी।